हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल कीमा समोसा। ये देखिए हमारी ये स्पाइसी चटनी के साथ, ये हमारा समोसा कितना अच्छा बना है, इसका कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनता है ये और बहुत ही जल्दी बनता है। हम इसको इस चटनी के साथ में अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। मैंने शेज़वान चटनी ली है स्पाइसी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ इसको बनाना कैसे लें और हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैन रख दिया, इसमें मैंने बहुत ही कम तेल डाला है, चाय वाला 1 चम्मच, और ये मैंने 1.25 किलो कीमा लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये कलर नहीं चेंज होता। देखिए इसका ये कलर चेंज हो चुका है, 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ताकि ये अच्छे से इसका जो मसाला है ना भुन जाए। तो बहुत ज़रा सा पानी ऐड करना है और इसको 1 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे कि इसके मसाले अच्छे से भुन जाए। तो फ्रेंड्स देखिए 1 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए इसके मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं, तेल भी हल्का सा छूट चुका है। तेल बहुत कम डालना है, ये मैंने हरा धनिया डाला है थोड़ा, और इसमें 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, इसको बारीक बारीक काट के डालना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है, ये रेडी है। ये फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच मैं मैदा ले रही हूँ और इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, अच्छा इसका पतला पेस्ट बनाने के लिए, ज़्यादा पतला भी नहीं, बस हाँ देखिए इतना नॉर्मल पतला बस। और ये हमारा कीमा ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स। ये मैंने समोसे की पट्टी ली है जो रेडीमेड मिलती है, इस बार मैं सोचा इसका हम ट्राई करके देखेंगे। तो हमको इसमें से ये 1 पट्टी लेनी है, ये देखिए। और इसका जो हमने पेस्ट बनाया था ना, उसको ये 1 साइड से लगाना है और इसको ऐसे पलटी कर देना है ताकि ये चिपक जाए, खुले नहीं। और इसमें हम भर देंगे ये हमारा कीमा, ये देखिए इस तरह से हम चम्मच से डालेंगे और हाथ की मदद से अंदर कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से फिल हो चुका है, पूरा गैप भर चुका है। और अब हम इसमें ये पेस्ट लगाएंगे चारों तरफ से और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे ताकि ये कहीं से कीमा हमारा बाहर नहीं निकले और अच्छे से चिपक जाए। हम तेल में डालें तो ये फटे नहीं, हमारा कीमा बाहर नहीं आए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है, मैं इसी तरह से सब बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तेल भी हो चुका है। अब मैं जो हमारा कीमा समोसा है वो सब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारा कीमा समोसे का। तो फ्रेंड्स देखिए रेडी हो चुके हैं, मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और सारे में इसी तरह से बना लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे कीमा समोसा बनके रेडी है, बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ही इजी है और बहुत ही यमी होता है। और हम ये है हमारी शेज़वान चटनी जिसके साथ में ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।